ऑपरेशन मुस्कान के तहत 4 दिन से अपने परिजनों से बिछड़े 11 वर्षीय बालक को ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा परिजन का पता लगाकर सकुशल सुपुर्द किया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि 11 वर्षीय बालक जो पुत्र संतराज कहार निवासी मौलाना गंज पनियरा महाराजगंज का रहने वाला है, रविवार को रात्रि 8 बजे विश्वविद्यालय चौराहे पर तैनात यातायात आरक्षी राजकिशोर प्रसाद के पास गया और बोला, सर मैं 4 दिन पहले अपने मामा के लड़के अनिल कहार के साथ नौकायन घूमने आया था, घूमने के दौरान बिछड़ गया, वह 4 दिनों से भूखे और प्यासे घूम रहा था, उसको देखकर यातायात आरक्षी ने उसको तुरंत खाना खिलाया, उसके बाद इमरजेंसी कॉल बॉक्स बटन के माध्यम से ITMS से संपर्क किया। ITMS में तैनात आरक्षी नौशाद एवं रितिका शुक्ला ने ITMS कार्यालय से सभी चौराहों पर अनाउंस किया तथा बालक को ITMS कार्यालय लाया और महाराजगंज के संबंधित थाने के PRV 2565 से संपर्क करके पीड़ित के पिता संतराज कुहार को सूचना दिया गया तथा बच्चे से बात कराया गया। बात करने के बाद परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई और तुरंत महाराजगंज से रात करीब 11 बजे परिजन ITMS कार्यालय पहुंचे, उसके बाद उनके पुत्र को सकुशल सुपुर्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस की टीम ने अच्छा काम किया है, जिसमें TSI मनोज कुमार राय, कांस्टेबल रितिका शुक्ला, कांस्टेबल मोहम्मद नौशाद और कांस्टेबल राजकिशोर प्रसाद को उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, आपका नाम क्या है? अच्छा, आपके पता भाई 4 दिन से गायब बना घर से? नहीं, हमें ना पता, हमें आज पता मिला है, वो खेले पूरे दिन हमें पता मिला है, सुन हमने ना मिला है। ये बाबू फोन हम लोग कर रहे हैं। गुप्ता जी आप बताएं। हाँ भी बताएं, हमारे मतलब ग्राम सेवा से हाँ, 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 हैं हाँ, मतलब दो चार लोग से कनेक्ट करके मतलब पता किए तो पता चला तो हम उनको बताए। ये 4 दिन से लड़का गोरखपुर में घूम रहा है बिना खाए पी बिना पिए, क्यों? तो बताओ तुम्हें खाना पीना कौन खिलाया है? सर खिलाया है। कौन? पार्षद। ट्रैफिक पे ट्रैफिक पुलिस थे वो ले खिलाए हैं? खाना पीना खिलाए हैं? फिर आप लोग से हम लोगों के द्वारा संपर्क किया गया है, हाफी गुप्ता जी जो अब काफ़ी हेल्पफुल आदमी हैं, आपने इनके पिताजी को संपर्क किया है ना? संपर्क किए हैं, मतलब वहाँ के प्रधान से भी संपर्क किए हैं। अच्छा, आज तो संपर्क करने के बाद पता चला है तो हम लोग आए हैं आपके पास। चाचा आपके बेटे मिल गए हैं? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत बहुत खुश हो गए हैं। हाँ, हम मिल गए ठीक लग रहा है। देखिए ट्रैफिक पुलिस ने आपके बच्चे को खोज के आपको सुपुर्द किया है यहाँ, ठीक है? मौलागंज पनियारा के एक संतराज कहार हैं, उनका बच्चा 4 दिन पहले यहाँ नौकायान पर घूमने के लिए आया था अपने ममेरे भाई के साथ। बच्चा यहाँ पे गुम हो गया, 11 साल का बच्चा था, बड़ी मुश्किल से, पढ़ा लिखा नहीं था बच्चा, तो अपना नाम पता नहीं बता रहा था। किसी तरीके से उससे नाम पता पूछा, हमारे आरक्षी राजकिशोर प्रसाद को मिला, वो यूनिवर्सिटी चौराहे पर, उन्होंने उसके लिए खाना खिलाया। 4 दिन से बच्चा भूखा था, उसने बताया मेरे पास एक पैसा नहीं है, ना मुझे कुछ खाने को मिला है, ना मैं कहीं भी सो जाता हूँ। तो ITMS के कर्मियों से राजकिशोर प्रसाद ने इमरजेंसी कॉल बॉक्स का यूज़ करके बताया यहाँ पे, यहाँ पर हमारे कर्मियों ने अनाउंस किया सभी चौराहों पे, इसमें नौशाद हैं, रितिका हैं, इन्होंने अनाउंस करके पूरे शहर में ढूंढवाया ऐसा बच्चा, पर कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया। उसके बाद पनियारा महाराजगंज से संपर्क किया गया और उसके फादर से बात की गई टेलीफोन पर नंबर प्राप्त करके, तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारा बच्चा है ये और हम उसके लिए लेने के लिए आ रहे हैं। काफ़ी भाव बेहोर हो गए, उनकी आंखों से आंसू आ गए,
उसके बाद वो अपने फैमिली के साथ यहाँ पर आए और यहाँ पर उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करके बच्चा उनके लिए सपोर्ट किया गया। उन्होंने बताया, पुनः उन्होंने बताया कि बच्चा हमारा घूमने आया था, घूमने में गुम हो गया और हम जो है इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारा बच्चा जो है यातायात पुलिस की वजह से हमको वापस मिला। सर किस माध्यम से उनके पिताजी से मुलाकात हुआ था? सर उनके पिताजी से संपर्क करने के लिए हमने लोकल थाने की पीआरबी से संपर्क किया और पीआरबी को बताया कि ये बच्चा, ये नाम बता रहा अपने फादर का, आप जाके वेरीफाई करो कि इनका बच्चा घर पे है कि बच्चा वास्तव में गुम हो गया है। तो वो गया तो उनके घर पे सब लोग उसमें थे, दुख में थे कि उनका बच्चा गायब था। चार दिन थे जिसका बच्चा ना मिल रहा हो, पता ना चल रहा हो, तो वो बहुत दुखी थे। तो वेरीफाई हो गया, फिर फ़ोन से बात कराई उन्हीं लोगों ने कि इनसे बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि बच्चे को अपने पास रखिए, हम लोग लेने आ रहे हैं। सर कब किया गया सपोर्ट परिवार को? परिवार के लिए, बच्चे के लिए जो है 30/31 की रात में सपोर्ट किया। क्या कहना चाहेंगे और आपने आरक्षी को क्या? हमारे आरक्षियों ने, पूरी ट्रैफिक पुलिस की टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसमें विशेषकर हमारे TI मनोज राय, कांस्टेबल नौशाद और कांस्टेबल रितिका और हमारे कांस्टेबल राजकिशोर प्रसाद, इन लोगों ने अच्छा कार्य किया है और इनके उत्साहवर्धन के लिए इनके लिए पुरस्कृत किया जाएगा।